a very 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 happy 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 new year to you all. I hope this new year brings you so much of happiness. और न्यू ईयर के पहले दिन हम लोग जा रहे हैं डोंबिवली के रोटरी क्लब गार्डन में एंड एंजॉय टुडेज व्लॉग. सो डोंबिवली में रोटरी क्लब का एक बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ पे आज हम लोग आए हैं. ये घाडा सर्कल के ठीक स्ट्रेट आते ही है एंड यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के स्लाइड्स एंड झोंके एंड मैनी मोर थिंग्स. एक ओपन जिम है एंड देन यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए बहुत ही बड़ी जगह है. पहले हम लोग जाएंगे गार्डन के तरफ, देन आपको दिखाऊंगी ओपन जिम एंड देन द एरिया ऑफ द सराउंडिंग ऑफ दिस गार्डन. ऐसे राइड्स पे मैंने बचपन में बहुत ज्यादा खेला है एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे हम सब. बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय किया करते थे. अब हम लोग वहाँ पे जाते हैं. वहाँ पे और भी इससे अलग अलग इक्विपमेंट्स है. सो लेट्स गो. अब हम लोग यहाँ पे गार्डन के दूसरे भाग में आए हैं. लेट्स सी व्हाट इज हियर. यहाँ पे पत्थरों से बना कुछ तो है एंड देन यहाँ पे वॉक करने के लिए ओपन स्पेस है एंड देन हियर इज बटरफ्लाई गार्डन. मेरे को याद है मैं जब एक बार छोटी थी तब यहाँ पे आई थी लॉकडाउन से पहले, तब मैंने ये देखा था. आई विल शो यू. यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है और यहाँ पे पेड़ों के नाम भी लिखे हैं. वहाँ पे भी है एंड दिस गार्डन इज सो बिग. यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही सारी जगह है, बहुत ही सारे अलग अलग गेम्स हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एंजॉय है. थोड़ी देर अपन ओपन जिम का भी मजा लेंगे. ये देखो, अगर आपके पास साइकिल ना हो तो यहाँ पे साइकिल का मजा ले लो. गार्डन का अलविदा कहने का वक्त हो चुका है. इसके लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.